खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। समाजवादी पार्टी पिछला वक्त प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव संजय कश्यप, समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के निवर्तमान जिला अध्यक्ष रामज्ञान गुप्ता की अगुवाई में नगरपालिका परिषद हरदोई क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एडीएम संजय कुमार सिंह को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि हरदोई नगर के चारों तरफ सभी नालों और नालियों की सफाई कराई जाए, गंदगी व्याप्त है। ये नाले बीमारियों को दावत देते आ रहे हैं। मोहल्ला सराई थोक पश्चिमी, कृष्ण नगरिया, राम नगरिया, लक्ष्मीपुरवा, कछियाना, चौहान थोक, बाबा मंदिर, इनमें जल भराव से आमजन मानस को छुटकारा मिल जाएगा। आवारा जानवरों से पूरा नगर क्षेत्र भरा हुआ है। हरदोई नगर पालिका के सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया जाए। पार्कों में आवारा जानवर बैठते हैं और पार्कों में कूड़ा कचरा गंदगी व्याप्त है। पार्कों में आमजन मानस के बैठने व बच्चों के खेलने की जगह होती है, लेकिन पार्कों में आवारा जानवर बैठते हैं, इससे बहुत गंदगी व्याप्त है। बरसात के चलते बीमारी फैलने का खतरा है। हरदोई नगर पालिका द्वारा बनाया गया म्युनिसिपल बालिक इंटर कॉलेज सर्कुलर रोड पर लगभग 3 वर्ष से बंद पड़ा है। कॉलेज को चालू कराया जाए जिससे हमारी बहन बेटियों को शिक्षा मिल सके। इस मौके पर समाजवादी पिछड़ा वक्त प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राकेश पाल, सुधीर गुप्ता मिन्ना, चंद्रशेखर पाल, अजय पांडे, सुमित कुमार झा, पंकज यादव, संजेश यादव, प्रमोद कश्यप, नरेश कश्यप, अजय यादव, सोनू गुप्ता, अजय सिंह, लालू यादव, राहुल वर्मा, राहुल गुप्ता, शिवा गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। आज हम सब समाजवादी साथियों ने हरदोई नगर की समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें मुख्य मांगे हमारी हैं, जो शहर में आवारा जानवर घूम रहे हैं, जिनकी वजह से गंदगी व्याप्त है, छोटे छोटे बच्चे चुटिल हो रहे हैं, और जो पार्क है, पार्कों का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है, उसमें गंदगी व्याप्त है, जो पानी की टंकियां हैं जिनकी आज तक सफाई नहीं हुई है, हरदोई नगर वासियों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जय हिंद, जय समाज। आज हम समाजवादियों ने हरदोई नगर की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। हम लोगों की मांग है, हरदोई शहर में जो भी नाले हैं आज तक उनकी सफाई नहीं हुई है, इसी वजह से शहर में जल भराव हो रहा है और बीमारी फैलने की आशंका है। और हम लोगों की मांग है कि जो हरदोई शहर में टंकियां बनी हैं, पानी की टंकियां, आज तक उनकी सफाई नहीं हुई है, उसमें बहुत गंदा पानी है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं, उससे बीमारी फैल सकती है। और कृष्ण नगरिया में एक नाला बनना है वार्ड नंबर 12 में, उस नाले की हम लोग मांग करते हैं। उस नाला, वो नाला बनने से 4-5 मोहल्लों को पानी भराव से राहत मिलेगी। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।